हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। आज के दिन में जो अगर आप देखेंगे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, अच्छी खासी भरके गिरावट जो है आज के दिन में देखने को मिली। आज यानी कि बुलिश की जगह बियरिश माहौल जो है आज के दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट में रहा है। अब उसकी वजह रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट कल के दिन में। ग्लोबल मार्केट बहुत ही वीक था कल के दिन में और उसका असर जो है आज के दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल चुका है। अब बात अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की करूं तो 2441 रुपए पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी। हालांकि 7 रुपए की गिरावट जरूर रही है, क्वार्टर फोर की अर्निंग्स काफी पॉजिटिव रही थी। और यहां पे अब क्या अपडेट आ गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो आईपीओ आना है किसको, अक्टूबर महीने के अंदर, तो उसको लेके जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। किसको ग्रीन सिग्नल मिला, किसको, अंबानी को। किसकी तरफ से, क्रेडिटर्स, प्रमोटर्स और जितने भी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से क्लीन चिट, यहां पे एक तरीके से ग्रीन सिग्नल कह सकते हैं मिल चुका है कि आप जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज कर सकते हो। और अब यहां पे होगा क्या, डीमर्ज होते ही अगर आप 100 शेयर्स को होल्ड करते हैं किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, तो अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हैं तो 100 ही शेयर आपको यहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मिलेंगे। और यहां पे अगर मान लीजिए करंट प्राइस 2400 रहा तो 2400 से अगर मान लीजिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर प्राइस रखा गया यहां पे 500, तो ये 2400 का शेयर आपको 1900 पे दिखेगा और ये 500 रुपए के 100 शेयर आपको अलग से दिखेंगे। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में है आपका उतना ही रहेगा, सिर्फ शेयर्स की क्वांटिटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ऐड हो जाएगी और जितने का शेयर रहेगा उतना शेयर प्राइस जो है यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का टूटते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेन फंडा है और यहाँ पे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी जो है यानी कि अंबानी को अब यहाँ पे प्रमोटर्स जो है, शेयर होल्डर्स जो भी हैं, जितने भी हैं, उन सब से जो है क्लीन चिट मिल चुकी है कि आप जो है यहाँ पे डीमर्ज कर सकते हैं। देखिए, रिलायंस शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स अप्रूव डीमर्जर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म। तो अब यहाँ पे डीमर्ज जो है अक्टूबर में हमें होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनुमान जो है, जो अपडेट्स आ रहे हैं कि अक्टूबर महीने के अंदर यहाँ पे आईपीओ जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विस का लेके आया जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 2 से 3 हजार का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसपे डेली मैं 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप डेली का 2 से 3 हजार का प्रॉफिट इजिली कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। परफॉर्मेंस चेक करनी है आप ग्रुप को ज्वाइन करिए, डेली डेमो कॉल देता हूं तो भी चेक कर सकते हैं। और अभी तक की आज की परफॉर्मेंस चेक करिए या फिर कल की थर्सडे एक्सपायरी की भी परफॉर्मेंस चेक करिए कि 4 गुना कैपिटल मैं ऑलरेडी डेमो कॉल के जरिए अपने ग्रुप मेंबर्स का कर भी चुका हूं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में आप लोगों को यहां पे टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव सपोर्ट भी मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलने वाला है। अपडेट देखें तो देखिए, रिलायंस शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स अप्रूव डीमर्जर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म। और यहां पे अब जो है बिलियनियर मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डर्स विद इट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑन May 4 परमिटेड द डीमर्जर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म फॉर रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर्स। द फर्म विल नाउ बी रिनेम्ड एज द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और यहां पे जो है अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ जो है हमें अक्टूबर महीने के अंदर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर देखें तो आता हुआ देखने को मिलेगा और प्राइस एडजस्टमेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और जितने शेयर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के होल्ड करते हैं उतने ही शेयर आपको यहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मिल जाएंगे। आज का अगर वॉल्यूम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो वॉल्यूम काफी अच्छा देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 40,36,548 शेयर्स का वॉल्यूम जो है आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आया भी है। और अगर बात करें टेक्निकल चार्ट की तो टेक्निकल चार्ट में भी आप लोग देखिए कि ये है स्टॉक का पीक और स्टॉक है अभी इस रेंज में, यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसी रेजिस्टेंस के आसपास जब अभी स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है 2400 रुपए की रेंज में। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो स्टॉक जाएगा 2500 और 2600 की रेंज में। अब वहां पे ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ 2600 वाला तो स्टॉक सीधा जाएगा आपको 2800-2850 की रेंज में देखने को मिल जाएगा। अब इस बीच में यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। और यहां से अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो गिरावट तो नहीं लेकिन अच्छी तेजी बनेगी। उसी के साथ में यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी अगर आईपीओ इसी रेंज में यहाँ पे आया तो स्टॉक में अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है और अच्छी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर हैं। तो क्वार्टर फोर के अगर आंकड़े देखें उसके हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज हुआ है,
फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी डिक्रीज हुआ पब्लिक का, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का स्टेक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है क्वार्टर फोर के अंदर। इन्फोसिस की भी अगर बात करें तो इन्फोसिस में भी आज ऑलमोस्ट 13 रुपए 15 पैसे की गिरावट रही है 1% के आसपास के करेक्शन के साथ। 1260 रुपए पे जाके इन्फोसिस ने आज की अपनी क्लोजिंग दे दी है। 5 दिन के अंदर जहां पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, 1 महीने के अंदर आप लोगों को ये गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर फोर के जो नतीजे आए थे उसके बाद से स्टॉक में एकदम से गिरावट रही, लेकिन अच्छा मौका है। निफ्टी आज के दिन में गिरा, उसकी वजह से आज के दिन में माहौल जो है थोड़ा सा नरमी का ही रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। सभी शेयर्स के अंदर आज के दिन में गिरावट ही देखने को मिल चुकी है। और यहां पे एक और बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस स्टॉक टेक ए प्लंग ऑन स्टॉक मार्केट, और साथ ही साथ में यहां पे हायरिंग जो है इन द आईटी सेक्टर वो भी देखिए आप लोगों को यहां पे 66% तक डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। वॉल्यूम अगर देखें आज का इन्फोसिस का तो ऑलमोस्ट 53 लाख के आसपास का वॉल्यूम काफी अच्छा आया है। मौका अच्छा है स्टॉक में, करेक्शन में आप खरीदारी करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर लीजिए। इन्फोसिस काफी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न आप लोगों को बनाकर दे पाएगा, और ये रिटर्न्स आज के नहीं है क्योंकि सीएजीआर जो है कंपनी का ईयरली वो काफी शानदार है, और उसी के बेसिस पे यहां पे अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस जो है बना के दे सकता है। अगर अब बात करें कि म्यूचुअल फंड्स की क्या कुछ होल्डिंग है इन्फोसिस के अंदर, तो होल्डर्स जो हैं अभी करंट में 485 हैं म्यूचुअल फंड्स, 485 म्यूचुअल फंड्स ने यहां पे जो है अभी जो है इन्फोसिस को बाई किया हुआ है, और यहां पे 191 जो है ऐड हुए हैं जिन्होंने मार्च क्वार्टर के अंदर, यानी कि 191 म्यूचुअल फंड्स ने यहां पे अपनी एडिंग की है किसके अंदर, इन्फोसिस के अंदर, और 81 म्यूचुअल फंड्स ने यहां पे इन्फोसिस के शेयर्स को सेल किया है। तो यहां पे पॉजिटिव माहौल है, देखिए 485 अभी तक नहीं देखने को मिला था, अब यहां पे करंट में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 485 म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल जाती है। और यहां पे साथ ही साथ में आपको अगर बात करूं तो आने वाले वक्त में काफी बढ़िया रिटर्न्स जो है इन्फोसिस बना के देगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।